सारी चीजें बच्चा जल्दी सीखे, ये ज्ञान बच्चे को माता पिता भी दे रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे का विकास रुक जा रहा है, बच्चे के अंदर परमार्थ रुक जा रहा है, बच्चे के संस्कार खत्म हो जा रहे हैं, बच्चे की कैपेबिलिटी कैपेसिटी वो सब नष्ट होती जा रही है। 10-12 साल का बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलो। और वैसे धर्म ये कहता है कि चिड़चिड़ा होने के लिए भी 16 साल की उम्र बताई है शास्त्रों में। आपको माता पिता की बात पे रिएक्शन आए, प्रतिशोध आ जाए, तो उस उम्र को भी 16 साल के लिए गिना गया है। शरीर में जब रज और वीर्य पैदा होता है तभी बच्चे को क्रोध आना चाहिए, तभी उसको गुस्सा भी आना चाहिए, क्योंकि वीर्य और रज के अभाव में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, प्रतिकार आता है, प्रतिशोध आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, घृणा आती है, तो ये अति हो रही है, बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है। यानी मनुष्य को भी हाइब्रिड बनाया जा रहा है, अप्राकृतिक बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, अभी आंखें फट जाती हैं देख के, ये क्या हो रहा है। जिस बच्चे को दूधड़ी पकड़ना नहीं आता दूध पीने के लिए, वो बच्चा बैग, भोजन का डिब्बा, पानी की बोतल, इतना सामान लेके स्कूल जाता है। अब कल्पना करिए, जिस बच्चे को बोतल पीने की आदत नहीं है उसके साथ कितना बांध दिया जा रहा है, और उसे कितना मजदूर बनाया जा रहा है, कितनी परेशानी में डाला जा रहा है। परिवार, रिश्तेदार, आप सब लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, परिवार और रिश्तेदार, तुम्हारा बच्चा जब तक मामा को, बुआ को और चाचा को, अपने सगे संबंधियों को और उनके व्यवहार को जब तक वो नहीं पहचानता, तब तक माँ को ही गुरु रहना चाहिए, बल्कि टीचर को गुरु नहीं बनना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए। घर में मामा आ जाते हैं, बच्चा पहचानता नहीं है और स्कूल जा रहा है, बोलो। घर में बुआ का पति आ जाता है, बच्चा पहचानता नहीं है और स्कूल जा रहा है। घर में चुलत दादाजी आ जाते हैं, दादाजी के पिताजी भाई आ जाते हैं, बच्चा पहचानता नहीं है और स्कूल जा रहा है, ये कौन है। सुनिए, अगर माताएं अपने बच्चे को आधा ही ज्ञान देती हैं तो जीवन भर उसका रिश्ता घर के लोगों से रहने वाला नहीं है, ये गांठ मार के आज रखना पड़ेगा। पूरी जिंदगी घर वालों को नहीं मानेगा वो, और यही हो रहा है। चाचा चलता नहीं बेटे को, चाची चलती नहीं, चाचा में क्या खराबी है नहीं पता, चाची कैसे खराब है नहीं पता, पर इसको नहीं चलता। क्योंकि उसकी रुचि को केवल एक ही जगह लगाया गया है, और वो रुचि है स्कूल, और उसे वही सिखाया जाता है कि तुम स्कूल नहीं गए, तुमने ये नहीं पढ़ा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम सबसे पीछे रह जाओगे और तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। देखिए, शिक्षा जीवन की उन्नति का एक हिस्सा है, जिंदगी में शिक्षा से उन्नति होगी ये जरूरी नहीं है, पर उन्नति का हिस्सा है। मैंने परसों भी कहा था, आदमी को बड़ा बनने के लिए शिक्षा जरूरी है, पर आदमी को इंसान बनने के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है, कल्चर जरूरी है, प्रवृत्तियां जरूरी है, आचरण जरूरी है, पारिवारिक सामाजिक ज्ञान जरूरी है, और वो माँ देती नहीं बच्चे को, पिताजी भी देता नहीं, वो ज्ञान टीचर क्यों देगा। टीचर क्या जानता है उसका चाचा कौन है, भूआ कौन है, भतीजा क्या है। टीचर तो किताब में जो लिखा है उसके सिवाय वो कुछ नहीं पूछेगा, और वो कोई नहीं जानता। प्रश्न उत्तर परीक्षा में किताब में जो है उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो कैसे विकास होगा फिर। इसीलिए गर्भ में जो बच्चा 2 महीने का है वो,
और गोद में जो बच्चा 6 महीने का है वो, और 3 साल का बच्चा जो घर में है वो सब कथा में आने चाहिए। तब तुम नहीं तो मैं तो सिखाऊं तुमको। उसे जो बनाना है बनाओ, पर पहले अपना पुत्र बनाओ। ये मेरी तरफ से है ज्ञान। शुरू शुरू में तो कोई भी माँ कोई भी पिता उसे अपना वारिस नहीं बनाता, उसे सबसे पहले दुनिया को बांट देते हैं। फीस भर देंगे, बांट दिया है, अब मैडम पढ़ाएगी मैडम। अरे बाबड़ो, मैडम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है, तुम्हारे बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगी मैडम है। टीचर, टीचर तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा टीचर, उसके बच्चे खुद गुंडे घूम रहे। इसीलिए दूसरे के भरोसे पर जो अपने बच्चों का निर्माण चाहता है उससे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई और नहीं होगा। दूसरों के भरोसे, अरे 3 साल के बच्चे को नर्सरी में प्ले स्कूल में भेज देते हैं, बोलो क्या है वहां। जो आनंद अपने आंगन में यशोदा मैया लाला को देती है वो आनंद हमारे लोग उसी स्कूल में दे रहे। यशोदा मैया अपने आंगन में खुद झूला झुलाती है और हमारे बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं वहां झूला झूलते हैं। हम फ्री रहना चाहते हैं, हमारे डेकोरेशन में कभी नहीं आए, हमारी जवानी ढीली ना पड़ जाए, इसलिए बच्चों से दूर रहते हैं। तो पैदा क्यों करते हो फिर। इसलिए पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता। 5 वर्ष माँ गुरु रहती है, 4 वर्ष पिता गुरु रहता है, ये 9 वर्ष हो गए। अब स्कूल में एडमिशन करवाओ, 9 वर्ष तक बच्चा घर में रहे और उसके बाद स्कूल जावे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं इस बात को। उसके बाद वो माँ के पैर छुएगा, ये मेरी गारंटी है। पिताजी को नमस्कार करेगा, घर में सबको नमस्कार करेगा, सब देवी देवताओं को भी वो सब करेगा। क्योंकि पहला गुरु पास करे पहले उसको, फिर दूसरा गुरु पास करे, फिर तीसरा गुरु देखेंगे। पहला गुरु कुछ करता नहीं, दूसरा गुरु करता नहीं, दो गुरु कट और तीसरे को डायरेक्ट पकड़ा दिया, तो ये 2 गुरु जो बीच में से कट हो गए इनका लाभ उसे कैसे मिलेगा। उसने साइंस पढ़े नहीं, गणित पढ़ा नहीं, तो उसे साइंस आएगा कैसे, गणित आएगा कैसे। तो उसने परिवार पढ़ा ही नहीं है तो परिवार आएगा कैसे, नॉलेज कहां से आएगा।